हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे 11th क्लास की फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट यूनिट एंड मेजरमेंट। और इस वीडियो में कंप्लीट हम बेसिक जो इसके नोट्स हैं वीडियो में कंप्लीट मिलेंगे आपको। इसके सबसे पहले व्हाट इज साइंस, इट इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ हैपनिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं उनका सिस्टमेटिक स्टडी को हम क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे। फिर फिजिक्स क्या आपका, फिजिक्स है इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। जो नेचर और नेचुरल फिनोमेना की स्टडी करे वो फिजिक्स है। उसके बाद आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच कैन मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके, जिनको मापा जा सके, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल आपके मास, लेंथ, टाइम, एरिया, डेंसिटी एट्सेट्रा। यूनिट क्या है, इट इज़ द स्टैंडर्ड और इट इज़ द स्टैंडर्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा स्टैंडर्ड जिससे आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकें उसको क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। एग्जाम्पल द स्टैंडर्ड टू मेजर द मास ऑफ एनी बॉडी इज केजी एंड ग्राम। मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम और ग्राम है, hence किलोग्राम और ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, इसलिए मास के क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे। उसके बाद क्या, फंडामेंटल यूनिट्स, मास, लेंथ एंड टाइम आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इनको तो हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एंड देयर यूनिट्स इन विच दीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। और वो यूनिट जिनमें हम मास, लेंथ, टाइम को मेजर कर सकें वो उसकी क्या हो जाएंगी, फंडामेंटल यूनिट हो जाएंगी। ये आगे चल के आपको बताएंगे, जैसे मास के लिए एम है, ये डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे वहाँ चल के आगे आएगा मास, लेंथ एंड टाइम, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा हुआ है, आगे करेंगे वहाँ पता चलेगा। फिलहाल आप इसको नोट कर लेना ऐसे ही। डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स द ऑल अदर यूनिट्स विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। वो यूनिट जिनको आप फंडामेंटल यूनिट से डिराइव कर सकें, फंडामेंटल यूनिट से जिनको आप बना सकें, वो आपकी क्या हो जाएंगी, डिराइव यूनिट्स हो जाएंगी। जैसे वेलोसिटी आपका किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला एल है, टाइम के लिए टी है, तो क्या बन जाएगा, एल टी माइनस वन। बाकी इसको डिटेल में आगे बताएंगे। ऐसे एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस वन, टाइम का टी, ये बन जाएगा आपका एल टी माइनस टू। उसके बाद एक क्वेश्चन है छोटा सा, ये व्हाई देयर इज नीड टू मेजरमेंट, आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ती ही क्यों है, जरूरत क्यों पड़ती है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द प्रॉपर एंड करेक्ट वे व्हाट एवर वी ऑब्जर्व वी हैव द नीड ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब यूनिट जो पहले भी बता दी, दोबारा फिर देखिए यूनिट का, यूनिट की फिर डेफिनेशन डाल रखी है यहाँ पे। यूनिट इज द क्वांटिटी टेकन एज स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट। किसी फिजिकल मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड लेते हैं उसी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। व्हेन वी मेजर ए क्वांटिटी वी काउंट दैट हाउ मैनी टाइम्स द यूनिट कंटेंड इन दैट क्वांटिटी। उस क्वांटिटी में वो कितने टाइम कंटेन, कितने टाइम, कितनी बार है। एनी मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स इसके। फर्स्ट पार्ट तो क्या है, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि टू है। और दूसरा पार्ट क्या, यूनिट, यू। जैसे क्वांटिटी को आप कैसे लिखोगे, क्यू इज इक्वल टू एन यू। जैसे सिक्स फीट, जैसे कोई लेंथ ले ली, सिक्स फीट ले ली, तो सिक्स यहाँ पे नंबर हो गया और फिट यहाँ पे क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। जैसे और लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, क्वांटिटी लिख दी कोई, थ्री के जी, थ्री के जी, थ्री क्या है, नंबर एन, और के जी क्या है, यूनिट होगी। उसके बाद यहाँ से देखिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, इट शुड बी वेल डिफाइंड। सेकेंड, इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज। थर्ड पॉइंट, इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल, इसको आप इजिली रिप्रोड्यूस कर सकें एट ऑल प्लेसेस, सभी प्लेसेस पे। फोर्थ पॉइंट, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये टाइम के साथ और जगह के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस के साथ भी चेंज नहीं होनी चाहिए।
लाइक टेम्परेचर प्रेशर एक्सेट्रा। और सिक्स पॉइंट, इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल। नेक्स्ट है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच डिराइव्ड यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ फंडामेंटल और बेस यूनिट्स बाय वे ऑफ सिंपल मल्टीप्लीकेशन और डिविजन और बोथ सच दैट नो न्यूमेरिकल फैक्टर कम्स इन इट कॉल्ड द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे आपकी क्या है SI जो है वो क्या आपके SI सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। उसके बाद क्या है प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मेन जो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या क्या आपकी पहले क्या है CGS C4 सेंटीमीटर G4 ग्राम S4 सेकेंड CGS सिस्टम। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। FPS सिस्टम में क्या होगा फुट पाउंड सेकेंड हो जाएगा MKS में मीटर किलोग्राम और सेकेंड हो जाएगा। और SI क्या आपका इंटरनेशनल सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्ट किया जाए वो आपका हो जाएगा SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन दिस सिस्टम देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर नोन एज जो कि ऐसे आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे सिंबल इसका M है मास के लिए किलोग्राम kg टाइम के लिए सेकेंड S टेम्परेचर केल्विन K ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL भी दिखाएंगे इसको। इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या आपकी इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स द एंगल एंड द सॉलिड एंगल एंगल एंड ये आपके यहाँ क्या है सॉलिड एंगल एंगल एंड सॉलिड एंगल एंगल एंड द सॉलिड एंगल आर टेकन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड रेडियन RAD एंड स्टे रेडियन आर टेकन एज देयर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये दो क्वांटिटी होगी और ये दो इनकी क्या हो जाएंगी यूनिट्स हो जाएंगी। उसके बाद है आपका मेरिट्स ऑफ SI सिस्टम SI सिस्टम की मेरिट्स क्या है मेरिट्स ऑफ SI सिस्टम। फर्स्ट दिस इज ए रेशनलाइज सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट इज इन दिस सिस्टम ओनली वन यूनिट इज यूज फॉर वन फिजिकल क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट होगी जैसे कि हीट है जूल है पोटेंशियल एनर्जी है जूल है काइनेटिक एनर्जी है जूल है यानी एनर्जी कोई भी हो सबके लिए क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है रेशनलाइज सिस्टम। सेकेंड इट इज ए कोहरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज इन दिस सिस्टम ऑल डिराइव यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फंडामेंटल यूनिट्स। थर्ड द यूनिट्स ऑफ दिस सिस्टम आर कॉन्स्टेंट एंड आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। फोर्थ इट इज ए मीट्रिक सिस्टम दैट इज मल्टीप्लाइज एंड सब मल्टीप्लाइज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10। उसके बाद जो आपकी 7 जो SI यूनिट्स हैं उनकी डेफिनेशंस हैं डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल SI यूनिट। मीटर क्या आपका एट प्रेजेंट मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299792458 पार्ट ऑफ ए सेकेंड। इनिशियली इट वॉज डिफाइंड स्टार्टिंग में कैसे बताते थे इसको इट वॉज डिफाइंड एज द लेंथ इन विच 1650763.73 वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ क्रिप्टोन 86 कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन 2P10 एंड SD5 लाई। बाकी आपको ये इतने वाली ऊपर वाली कर लेना स्टार्टिंग में ये थी अब इतना ही करना आपको। किलोग्राम क्या है का किलोग्राम आपका 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ ए प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर जिसमें 90% प्लेटिनम है 10% इरिडियम है kept in International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris in France. 1 second की definition क्या है 1 second? 1 second is taken as the time corresponding to 919263170 vibrations in cesium-133 atom. Ampere, it is the current which when flows through two infinitely long straight conductors of negligible cross section placed at a distance of 1 meter in air or vacuum produces a force of 2×10⁻¹⁷ newton per meter between them. Candela luminous intensity ke liye candela it is the luminous intensity in a perpendicular direction of a surface of 1 by
6 और इसके आगे आपके 5 जीरोस, सरफेस स्क्वायर मीटर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लेटिनम अंडर ए प्रेशर ऑफ दिस, इतना प्रेशर होना चाहिए। केल्विन इट इज़ द 1/273.16 पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो 6 तो आपकी ये हुई, और सातवीं जो है यूनिट आपको देखिए यहाँ पे, सातवीं यूनिट क्या लिखी है, मोल की डेफिनेशन। मोल क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देर आर इन 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12। यहाँ तक तो डेफिनेशन है। उसके बाद डायमेंशंस क्या है, द नंबर ऑफ टाइम्स, डायमेंशन नेक्स्ट हो गया स्टार्ट यहाँ से डायमेंशन के बारे में। द नंबर ऑफ टाइम्स ए फंडामेंटल क्वान्टिटी इज कंटेन्ड इन गिवन डिराइव्ड फिजिकल क्वान्टिटी इज नोन एज द डायमेंशन ऑफ दैट फंडामेंटल क्वान्टिटी। किसी फंडामेंटल किसी भी क्वान्टिटी के अंदर कोई फंडामेंटल क्वान्टिटी कितने टाइम है वो होगा। जैसे एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इंटू लेंथ है। एक्चुअल में एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोनों की मेजरमेंट तो लेंथ से होगी ना, तो एल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है आपका, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, मास का एम लिखा, वॉल्यूम का नीचे एल, ऊपर जाके -3 और टी जीरो। सो डेंसिटी एज वन डायमेंशन इन मास, अगर डेंसिटी की बात करें इसमें मास की डायमेंशन कितनी है 1, लेंथ की डायमेंशन कितनी है -3, और टाइम की डायमेंशन कितनी है यहाँ पे 0। तो अगर डायमेंशन की बात करें डेंसिटी के अंदर क्या बनेगी, 1, -3 एंड 0। डायमेंशन यहाँ लिखा है डेफिनेशन में, डायमेंशन देखिए क्या है, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन की बात कर रहे थे, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो भी पावर है वो क्या हो जाएंगे, डायमेंशन। जैसे इसके अंदर मास की 1 है, लेंथ की -3 है, टाइम की 0, तो डायमेंशन क्या हो जाएंगी, 1, -3 एंड 0। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है फिर, द एक्सप्रेशन विच शोज दैट विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड विद व्हाट पावर इंटर इनटू ए डिराइव यूनिट, किसी डिराइव यूनिट में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की कितनी पावर है ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज नोन एज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम एम जीरो एल क्यूब टी जीरो, और ऐसी डायमेंशन फॉर्मूला आपने किसका लिखा था थोड़ी देर पहले, किसका लिखा था, डेंसिटी का। तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला जो लिखेंगे वो क्या बनेगा आपका, एम एल माइनस थ्री और क्या हो जाएगा आपका टी जीरो, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा इसका। इसके अंदर डायमेंशन क्या क्या है इसकी, 1, -3 और 0, ये क्या हो जाएंगे इसके डायमेंशन हो जाएंगे। डायमेंशन इक्वेशन क्या है आपकी, डायमेंशनल इक्वेशन। अब ये किसकी, ये जो डायमेंशन फॉर्मूला किस क्वांटिटी का है उसके इक्वल अगर इसको कर दें तो उसको क्या कह देंगे, डायमेंशन इक्वेशन कह देंगे। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्यूम का ये लिखा था एम जीरो एल क्यूब टी जीरो, अब ये जो हो जाएगा इसको आप क्या कह दोगे, डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आपका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। द डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ टू साइड्स ऑफ ए फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम। फिजिकल क्वांटिटी के दोनों साइड के अंदर जो फिजिकल रिलेशन कोई दे रखा है उनके डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या मतलब इसका, देखिए फॉर एग्जाम्पल लेट अस हैव ए रिलेशन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एम ए एल की पावर बी टी की पावर सी इज इक्वल टू एम की पावर एक्स एल की वाई और टी की जेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए किसके इक्वल होना चाहिए एक्स के, बी किसके वाई के, और सी किसके इक्वल होना चाहिए आपका जेड के इक्वल होना चाहिए। यहां कुछ डायमेंशन फॉर्मूले लिख रखे हैं जैसे कि वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आपको क्या पता है, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है आपका, लेंथ बाय टाइम कह दें या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, नीचे क्या है टाइम, तो क्या बन जाएगा इसका एल टी माइनस वन, और अगर आप m को और दिखाना तो क्या हो जाएगा m0 lt माइनस वन। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो जाएगा, वेलोसिटी का। यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस मीटर में, टाइम किस में, सेकंड में।
ऐसे अगर एक्सेलरेशन का लिखोगे तो क्या बनेगा आपका, वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला भी अभी लिखा हमने, क्या लिखा है वेलोसिटी का अगर लिखेंगे तो फार्मूला क्या लिखा था, एम जीरो एल टी माइनस वन, और नीचे आपका टाइम है तो टी हो जाएगा। डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, ये एम जीरो एल और टी क्या हो जाएगा आपका, माइनस टू हो जाएगा। उसके बाद मोमेंटम, आपका मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास के लिए एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा एम एल टी माइनस वन, और इसके ऐसा यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऐसे अगर फोर्स की बात करेंगे, फोर्स किसके इक्वल होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए एम, एक्सेलरेशन का भी फाइंड आउट किया था एल टी माइनस टू, तो डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा फोर्स का, एम एल टी माइनस टू, और इसके ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। उसके बाद वर्क, वर्क किसके इक्वल होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का फॉर्मूला भी लिखा आपने एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस के लिए क्या लिख दिया एल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एम, एक एल ये रहा एक एल ये रहा, एल स्क्वायर और माइनस टी की माइनस टू, यूनिट क्या होती है वर्क की, जूल होती है। पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पावर का वर्क बाय टाइम। अब वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला ये लिखा था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाई टी कर दोगे तो एम एल स्क्वायर तो ये रहेगा, टी एक और चल जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा माइनस थ्री, और पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है आपकी वाट। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जिसको आपने नाइन्थ में पढ़ा था, इसका फॉर्मूला जी इक्वल टू क्या होता है एफ आर स्क्वायर एम वन एम टू, एफ यानी कि फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर यानी कि कोई लेंथ है एल की पावर टू, और मास एम इंटू एम। अब एम इंटू एम करोगे, देखिए एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम बचेगा ऊपर जाके इसकी पावर माइनस वन, और एल की पावर एक ये है और दो ये है, थ्री पावर हो जाएगी, और साथ में आपका टी माइनस टू, यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट इसकी है, यूनिट इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। टोर्क का फॉर्मूला, टोर्क का, टोर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ, आर यानी कि लेंथ है, एफ का लिखा था तो यहाँ इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यूनिट इसकी न्यूटन मीटर। फिर आपका सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखा, लेंथ का लिखा तो एम एल जीरो टी माइनस टू, यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए फार्मूला वर्क बाय मास, वर्क का डायमेंशन फार्मूला लिखा था एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और डिवाइड बाय मास के लिए एम, तो यहाँ फार्मूला एम से एम क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू, जूल पर किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो हमने लिखा है वो लिखा है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, किसके इक्वल होता है फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। वैसे ही फॉर्मूले आप जब आगे करोगे ना इस पूरे, जब आप पूरे सिलेबस में से जाओगे वहाँ सारे आएंगे फॉर्मूले, तो ये नहीं कि आपको अभी यहाँ याद करने पड़ेंगे, आगे जैसे जैसे करते जाओगे अपने आप याद हो जाएंगे आपके। फोर्स का लिख दिया, एरिया का एल स्क्वायर लिख दिया, वेलोसिटी का लिख दिया, डिस्टेंस का लिख दिया, कैलकुलेट करने के बाद ये बनेगा आपका एम एल माइनस वन टी माइनस वन, और इसका डेकापोइजी, डेकापोइजी बोलते हैं इसको, इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, फॉर्मूला इसका क्या होता है, ई इज इक्वल टू एम जी एच, एम का ये लिख दिया, जी का एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, और हाइट को किससे दिखाएंगे एल से दिखाएंगे, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है जूल होती है। एंट्रोपी चेंज, हीट एनर्जी डिवाइड बाई टेम्परेचर, एनर्जी का वही रहेगा, वर्क का एनर्जी का सेम रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू केल्विन ऊपर जाएगी माइनस वन, जूल पर केल्विन हो जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट किसके इक्वल होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है आपका एनर्जी इंटू टाइम, एनर्जी का लिखा टाइम का लिखा कैलकुलेट कर दिया, जूल, जूल सेकंड इसकी यूनिट हो गई। लेटेंट हीट किसके इक्वल होता है आपका, हीट बाय मास, हीट यानी कि एनर्जी का सेम रहेगा बाय मास, और ये हो जाएगा इसका यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस ढंग से आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने यहाँ लिखे हैं, इनको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट अदर सिस्टम, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना, जैसे कि एस आई को सी जी एस में कन्वर्ट करना या सी जी एस को एफ पी एस में कन्वर्ट करना, उसके लिए है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जो है ना वो यूनिट से चेंज नहीं होती। जैसे आपको आप 1 किलोग्राम कह दो या 1000 ग्राम 1000 ग्राम कह दो, रही तो उतनी चीज़ की, बस क्या होगा उसके अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो गई है।
तो क्यू क्या है यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटी टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, एन वन यू वन न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी एन वन न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम में यू वन, एम वन एल वन टी वन ये आपकी क्या है फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम गिवन सिस्टम की होगी, एन टू यू टू क्या जो रिक्वायर्ड जिसमें आप चेंज करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन रिक्वायर्ड सिस्टम, एम टू एल टू टी टू फंडामेंटल यूनिट्स मास लेंथ एंड टाइम इन रिक्वायर्ड सिस्टम, रिक्वायर्ड सिस्टम के अंदर आपकी फंडामेंटल यूनिट होगी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स मास लेंथ एंड टाइम, ए बी सी डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ए बी सी क्या है वो जो फिजिकल क्वांटिटी उनकी डायमेंशन है भी ए बी सी, तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी नो मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं, इसलिए फर्स्ट जो गिवन सिस्टम है उसकी वैल्यू और जो रिक्वायर्ड सिस्टम है दोनों क्या होंगे आपके इक्वल होंगे, अब यू वन क्या बनेगा आपका एम वन की पावर ए टी वन की, क्योंकि ए बी सी आपकी क्या थी यहाँ पे डायमेंशन और टी वन की पावर सी, ऐसे यू टू क्या हो जाएगा एम टू की पावर ए एल टू की पावर बी टी टू की पावर सी, अगर इस इक्वेशन के अंदर रख दें एन वन यू वन की जगह ये लिख दिया और ये यू टू की जगह लिख दिया, अब यहाँ एन टू को मैं यहाँ रखी तो एम वन एन वन किसकी इक्वल हो जाएगा आपका एम वन बाय एन टू की पावर ए एल वन बाय एल टू की पावर बी टी वन बाय टी टू की पावर सी, अगर इनमें से आपको एन वन का पता है एम वन एल वन टी वन एम टू एल टू टी टू और ए बी सी का अगर पता है तो आप एन टू की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल है कन्वर्ट 10 जूल इंटू अर्ग, जूल को किस में कन्वर्ट करना आपने अर्ग में करना है, अर्ग क्या आपकी सी जी एस यूनिट है और ये आपकी क्या एस आई यूनिट है, अब पहले तो आप ये है जूल किसके लिए वर्क के लिए या एनर्जी के लिए, और वर्क एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है एम वन एल टू टी माइनस टू, यानी कि ये डायमेंशन ए बी सी की जगह ए इज इक्वल टू वन बी इज इक्वल टू टू एंड सी इज इक्वल टू माइनस टू ये लिख दिए, गिवन सिस्टम ये गिवन सिस्टम है जिसमें ये देखा 10 जूल गिवन सिस्टम यहाँ एन वन और ये क्या आपका यू वन, ये आपका एन वन है और ये आपका क्या है यू वन है, एन वन इज इक्वल टू 10 और एम वन 1 के जी एस आई सिस्टम में, एल वन 1 मीटर टाइम 1 सेकेंड, एन टू आपने फाइंड आउट करना है सी जी एस में एम टू 1 ग्राम हो जाएगा एल टू 1 सेंटीमीटर और टी टू क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। अब उस फार्मूले को यहाँ लिख के देखिए, यहाँ इस फॉर्मूले में फॉर्मूला भी निकाला था हमने पीछे, एन टू इज इक्वल टू एम वन एम वन बाई एम टू की पावर ए एल वन बाई एल टू की पावर बी टी वन बाई टी टू की पावर सी, एम वन एन वन की जगह 10 लिखा, एम वन 1 के जी ये 1 ग्राम 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड बाई 1 इसकी पावर 2 है, यहाँ इसको क्या कर दिया 1000 ग्राम हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा ये 100 मीटर बाई 1 1 बाई 1 कैलकुलेट करोगे तो किसके इक्वल होगा आपका 10 की पावर 8, यानी कि 10 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 8 अर्ग आपका हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो है उसमें क्या करना आपने जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए, टू चेक द करेक्टनेस और एक्यूरेसी ऑफ ए फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला अगर आपको दे रखा है वो सही है भी या नहीं है उसको चेक करने के लिए कि कोई फॉर्मूला आपका ठीक है या नहीं है उसको देखने के लिए, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, उसी पे बेस है ये भी। तो इसमें क्या देखिए स्टेप क्या होंगे कैसे करेंगे आप इसको, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला इन सीक्वेंस बिलो द गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन गिवन फॉर्मूला, अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन द डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एम एल टी, इफ बोथ साइड्स ऑफ फॉर्मूला आर सेम देन द गिवन फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, अगर दोनों साइड से फॉर्मूला आपका सेम आ रहा है तो डायमेंशनली क्या आपका करेक्ट है, चेक करते हैं जैसे क्या एफ एस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आप इसको चेक करना कि सही है नहीं है, एफ एस इज इक्वल टू 1 बाई टू एम बी स्क्वायर माइनस 1 बाई टू एम यू स्क्वायर, सब तो पहले तो सबके डायमेंशन फॉर्मूला लिखी जो जो इसके अंदर फोर्स है डिस्प्लेसमेंट है मास है वेलोसिटी है, फोर्स एम एल टी माइनस टू ये डिस्टेंस है एल, मास का एम और वी और यू दोनों आपकी वेलोसिटी हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपका एल टी माइनस 1 होता है। अब एफ एस इज इक्वल टू दिस, अब एफ एस एफ के नीचे एफ का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया, एस के नीचे एस का, अब इन कॉन्स्टेंट इनको नहीं लिखेंगे जो कॉन्स्टेंट लगा रखे 1 बाय 2, मास का एम वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगी, फिर दूसरा ये है मास का एम वेलोसिटी एल टी माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगी, इसको कैलकुलेट करोगे आपका बनेगा एम
एल और एल, एल स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आपका टी माइनस टू हो जाएगा, टी माइनस टू इधर करोगे ये आपका एम है और ये एल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है, टी का भी माइनस टू हो जाएगा, सेम हो जाएगा ये तो दोनों तरफ सेम है। कोई कहेगा सर ये तो कट गया आपस में, कटेंगे नहीं एक्चुअली, ये सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला है, ये डायमेंशन फॉर्मूला इस साइड में भी यही है, इस साइड में भी यही है। जैसे आप कहीं पर लिखते हो ना, कहीं लिखना पड़ जाए आपको, जैसे लिख दिया 10 जूल इज इक्वल टू 8 जूल माइनस 6 जूल, तो आप ये इस ढंग से, यानी कि यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन की बात हुई, जैसे इसमें तो यूनिट है ये 8 जूल जो है, यहाँ क्या डायमेंशन, आपने सिर्फ डायमेंशन को देखना है कि क्या ये डायमेंशन सेम है। ये देखिए इस साइड से सेम है, ये भी साइड में क्या सेम है। तो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ईच टर्म इज सेम, दोनों टर्म की सेम है, शो द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इसलिए जो रिलेशन है डायमेंशनली आपका क्या है करेक्ट है। उसके बाद थर्ड देखते हैं इसके अंदर, थर्ड में क्या है यूज की अगर बात करते हैं तो थर्ड यूज जो आपका ये है, थर्ड यूज देखिए उसमें क्या है, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर रिलेशन डिराइव करना हो तो क्या करेंगे, पहले तो प्रोसीजर बताएंगे उसके बाद एक एग्जांपल लेके बताएंगे रिलेशन के लिए। इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये भी इसी पे डिपेंड करता है डायमेंशंस। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड, इसमें स्टेप क्या होंगे, एक्सप्लोर द पॉसिबल फैक्टर अपॉन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, उन पॉसिबल फैक्टर को लिखे जिस पर वो गिवन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है। सेकेंड, राइट द डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ एम एल टी, डायमेंशन लिखिए, इक्वेट द पावर ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड टू गेट वैल्यू ऑफ अननोन पावर, इक्वेट उनको बराबर कर दीजिए। फिर क्या आपका, सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन डायमेंशनल इक्वेशन, वी गेट द रिलेशन, आपको रिलेशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल करेंगे पता चल जाएगा क्या हो रहा, देखिए एग्जाम्पल क्या आपका, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डायमेंशनली, सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला ड्राइव कीजिए डायमेंशनली, उसके लिए द टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम मे डिपेंड अपॉन, किस किस पे डिपेंड कर सकता है, मास ऑफ द बोब एम, लेंथ ऑफ पेंडुलम एल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, यानी कि टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल हुआ, फिर मास एम की पावर ए, लेंथ एल की पावर बी, जी की पावर सी, ग्रेविटी, यहाँ कॉन्स्टेंट लगा दिया के एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। राइटिंग द डायमेंशन, आप सबकी डायमेंशन लिख दीजिए, टाइम पीरियड की डायमेंशन टी, कॉन्स्टेंट को छोड़ दिया, एम मास की कैपिटल एम, एम का ए, एल की बी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, एल टी माइनस टू, पावर सी कर दिया। तो यहाँ क्या कहिए, देखिए एम जीरो एल जीरो टी वन, क्योंकि एम और एल नहीं है तो इनकी जीरो कर दी पावर, मास की एम ए, एल की पावर क्या हो जाएगी बी प्लस सी, और टी की पावर क्या हो जाएगी माइनस टू सी। अब इनको दोनों साइड में कंपेयर कीजिए, कंपेयर करोगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे यहाँ ए एम की पावर ए है, यहाँ एम की पावर जीरो, यानी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो। इधर देखिए बी प्लस सी एल की पावर, और इधर एल की पावर जीरो, यानी कि बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक बार यहाँ रुक जाओगे, उधर चलिए टी की पावर यहाँ क्या है माइनस टू सी, और यहाँ क्या है वन, यानी माइनस टू सी इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। इस सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए सी की जगह, बी प्लस माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वन बाई टू। सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम, जो आपने इक्वेशन फर्स्ट लिखी थी वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, के एम की ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। तो वो यहाँ अगर रखोगे देखिए टी के एम की पावर ए, ए कितना निकाला आपने जीरो, एल एल की पावर बी, बी कितना निकाला वन बाई टू, और जी की पावर सी, सी कितना निकला माइनस वन बाई टू। तो क्या बन जाएगा आपका, टी इज इक्वल टू के एल बाई जी। और एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली आप अगर फाइंड आउट करेंगे तो टी जो आपका कॉन्स्टेंट जो किसके इक्वल होता है आपका टू पाई के इक्वल होता है, इसलिए फॉर्मूला जो क्या बन जाएगा सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू टू पाई एल बाय जी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब जब मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर कम ज़्यादा वैल्यूज आती हैं, थोड़ा उनके अंदर डिफरेंस रह जाता है, उससे रिलेटेड है देखिए एक्यूरेसी क्या आपकी, एक्यूरेसी द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। ए मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज मोर एक्यूरेट इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैज मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। एरर क्या रहता है उसके बाद आपका क्या, प्रेसीजन, प्रेसीजन इज ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिफर फ्रॉम वन अनदर। एरर
डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एरर। टाइप्स ऑफ एरर, एरर कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या है? द एरर ड्यू टू नोन काजेज एंड टेंडिंग टू बी ऑफ सेम साइन, सच एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय ट्रेसिंग द काज ऑफ एरर। द सोर्स ऑफ दीज आर, उसके सोर्स क्या हो सकते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर और नेचुरल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, द एरर कॉज्ड ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी खराब है, आर नोन एज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। पर्सनल एरर, द एरर इन द मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटीज ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि मेजरमेंट करने वाले की अंदर कुछ कमी रह जाए, लिमिटेशन रह जाए, आर नोन एज द पर्सनल एरर। नेचुरल एरर, द एरर अराइजिंग ड्यू टू द चेंज इन कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट, आर नोन एज द नेचुरल एरर। उसके बाद आपका क्या है? रैंडम एरर, रैंडम एरर्स बी पार्ट। दीज आर द एरर विच ओकर इरेगुलरली एंड हैंस आर रैंडम। इरेगुलरली होते, हमेशा नहीं होते, और हैंस आर रैंडम। विद रेस्पेक्ट टू साइन एंड साइज, दे कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स एंड मीन वैल्यू टेकन। उसके बाद उसकी मीन वैल्यू ले लीजिए। लेट एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स एन बी द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ड्यूरिंग सेवरल मेजरमेंट्स। देयरफोर द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय मीन। एक्स, इनका सबका मीन निकाल लीजिए। इसको आप कैसे कर सकते हो? एक्स बार एक्स आई सिग्मा आई चेंज फ्रॉम वन टू एन डिवाइड बाई क्या कर दीजिए? वन कर दीजिए। उसके बाद क्या है? हाउ कैन वी एक्सप्रेस द एरर, एरर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? पहले, एरर कैन बी एक्सप्रेस इन डिफरेंट वेज। एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी एंड द ऑब्जर्व वैल्यू अंडर कंसिडरेशन, एंड दिस इज डिनोटेड बाई डेल्टा एक्स। इसको आप इसको किसे दिखाएंगे? डेल्टा एक्स से। लेट एक्स बार मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक्स आई वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड इन द आईथ ऑब्जर्वेशन, आईथ ऑब्जर्वेशन में जो भी आएगी। तो एब्सोल्यूट एरर ऑफ आईथ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एक्स आई, और इसका क्या कर देंगे? मोड कर देंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर, द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इन टेकन एज द फाइनल एब्सोल्यूट एरर ऑफ वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्स। तो डेल्टा एक्स बार डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स टू, डेल्टा एक्स थ्री का मोड करके डिवाइड बाय एन कर दीजिए। तो एन या बार ले, वन बाय एन सिग्मा आई चेंजेस फ्रॉम वन टू एन डेल्टा सिग्मा एक्स आई। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। ये मीन एब्सोल्यूट एरर और ये आपकी मीन वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज एरर हो जाएगा। रिलेटिव एरर क्या निकाला था? डेल्टा एक्स बार बाय एक्स बार मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 100 से कर दीजिए। उसके बाद आपका क्या है? कम्बिनेशन ऑफ एरर, एरर का अगर कम्बिनेशन करें तो क्या क्या होएगा? एरर ड्यू टू सम, सम के कारण। लेट ए एंड बी द बी टू क्वांटिटीज एंड देयर सम इज जेड, यानी जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी। डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, एंड डेल्टा जेड इज एब्सोल्यूट एरर इन सम। तो सम में डेल्टा जेड, यानी कि डेल्टा जेड कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे ही ए के अंदर प्लस माइनस डेल्टा ए और बी के अंदर प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों में से ए प्लस बी को अलग निकाल लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ए प्लस बी किसके इक्वल? आपका जेड के इक्वल है। जेड से जेड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन जेड क्या हो सकता है? डेल्टा जेड इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल एरर। डेल्टा जेड पॉसिबल एरर इन जेड इज डेल्टा जेड इज इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एरर ड्यू टू डिफरेंस, जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी। इफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एंड डेल्टा जेड इज एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्ट, देन आप इसका जो एरर निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा? सेम जो
आपने प्लस किया वही एरर इसका आएगा। सेम जब करोगे ना इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो इसके अंदर भी डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करके देख रहे ना, सेम यही का ही आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब आपका एरर ड्यू टू प्रोडक्ट जेड इज इक्वल टू ए बी, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एंड डेल्टा जेड इज एब्सोल्यूट एरर इन जेड, देन जेड क्या होगा प्लस माइनस डेल्टा जेड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ऐसी ए को क्या लिखा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, मल्टीप्लाई करोगे ए की तो ए भी हो जाएगा, ए को डेल्टा बी के साथ करोगे प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी और डेल्टा ए डेल्टा बी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये देखिए ए बी, ये ए बी तो आपका किसके बराबर हो जाएगा जेड के इक्वल हो जाएगा, बचेगा क्या ए प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, यानी ये बना आपका ये। अब जेड से जेड क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका क्या है बचेगा फिर ये बचेगा सारा दिख नहीं रहा प्लस माइनस डेल्टा जेड और यहाँ आपका क्या है प्लस माइनस बी डेल्टा ए, पुराने पड़े नोट्स का देखिए बी डेल्टा ए और प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी दिख रहा होगा मेरे ख्याल से बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी और डेल्टा ए एंड डेल्टा बी ठीक है। अब क्या किया आगे देखिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय जेड, जेड यानी कि ए बी दोनों साइड आपने किसी डिवाइड कर दो आप ए बी से डिवाइड कर दो, ए बी कह दो जेड कहो या ए बी कहो की बात है, तो यहाँ डेल्टा जेड बाय जेड यहाँ इसको ए बी से डिवाइड कर दिया, इसको बी डेल्टा ए को ए बी से, ए डेल्टा बी को किसे डिवाइड कर दिया ए बी से, ए डेल्टा बी किसे कर दिया ए बी से, और यहाँ आपका फिर इसको डेल्टा ए बाय क्या है ये भी आपका क्या होगा ए बी डेल्टा ए, ये होगा ना आपका ये डेल्टा ए डेल्टा बी, तो डेल्टा ए डेल्टा बी को भी किसे कर दिया ए बी से डिवाइड कर दिया, ये डेल्टा जेड बाय जेड यहाँ क्या हो जाएगा आपका बी से बी कैंसिल हो जाए क्या बचेगा डेल्टा ए बाय ए, यहाँ ए से ए कैंसिल होगा डेल्टा बी बाय बी और यहाँ डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइड बाय क्या ए बी, सिंस डेल्टा ए बाय ए एंड डेल्टा बी बाय बी आर वेरी स्मॉल ये तो बहुत छोटे उनकी प्रोडक्ट और भी छोटी हो जाएगी इन दोनों की, इसलिए इनको तो कर देंगे नेगलेक्ट, बचेगा क्या आपका फिर जो है प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए और प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम की जो बात करें तो प्लस वाला लेंगे माइनस वाला तो लेंगे नहीं, तो डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। उसके बाद क्या एरर ऑफ कोसेंट, कोसेंट यानी कि जब डिवाइड करने लग जाएं तो क्या एरर हो सकते हैं आपके, जेड इज इक्वल टू ए बाय बी डेल्टा ए एंड डेल्टा बी एंड डेल्टा जेड बी एब्सोल्यूट एरर इन ए बी एंड जेड रेस्पेक्टिवली, तो जेड प्लस डेल्टा जेड ऊपर ए प्लस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी इनमें से ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन लेंगे तो वन और डेल्टा ए बाय ए इनमें से बी कॉमन ले लिया वन प्लस डेल्टा बी बाय बी, और ये ए बाय बी ये किसके इक्वल होगा आपका जेड के, ये क्या बच जाएगा आपका वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए और इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर क्या हो जाएगी माइनस वन ठीक है। एज डेल्टा बी बाय बी ये लेस देन क्या आपकी वन है, सो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम जिसको आप मैथ्स में पढ़ेंगे वहाँ पता चल जाएगा बाइनोमियल थ्योरम एंड नेगलेक्टिंग द टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ डेल्टा बी बाय बी, हायर पावर को हम छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये तो रहेगा ऐसे कैसा जेड इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए और ये आपका बनेगा वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, और इसके बाद हायर टर्म जो उनको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे हायर टर्म को नहीं लेंगे हम। इसके बाद आगे क्या होगा देखिए जब उस ब्रैकेट स्क्रीन को खोल लेंगे तो क्या होगा आप देखिए डिवाइड बोथ साइड बाय जेड दोनों साइड क्या कर दिया ये जो आपका था, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय जेड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय जेड यानी जेड बाय जेड वन हो जाएगा ये डेल्टा जेड बाय जेड, यहाँ जेड से जेड क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा देखिए हमने फिर यहाँ पे वन प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड और क्या बन जाएगा आपका वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए,
प्लस माइनस डेल्टा वी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी। नेगलेक्टिंग द टर्म्स, कौन सी टर्म को, ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, इन दोनों का प्रोडक्ट और स्मॉल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका, और 1 7 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डेल्टा जेड बाय जेड प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज डेल्टा जेड बाय जेड डेल्टा ए बाय बी डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। और लास्ट जो इसके अंदर जो है एरर के अंदर वो क्या है, एरर ड्यू टू पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, किसी मेजर क्वांटिटी की पावर के कारण, जैसे जेड इज इक्वल टू ए की पावर एन, इफ डेल्टा ए एंड डेल्टा जेड बी एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड जेड, तो जेड क्या बन जाए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड और ए प्लस माइनस डेल्टा ए की पावर एन, इनमें से ए को अगर बाहर निकालूंगा कॉमन लेंगा तो ए की पावर एन आएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, फिर यहाँ पे फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे और डेल्टा ए बाय ए जो वेरी वेरी लेस देन 1 है, सो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड नेगलेक्टिंग द टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ डेल्टा ए बाय ए वी गेट जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ए की पावर एन, और इस बाइनोमियल थ्योरम को जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा 1 प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए बाय ए प्लस नेक्स्ट आयर ऑर्डर की जो टर्म बनेंगे उनको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन, अब ए की पावर एन ये तो किसके बराबर आपका, ए की पावर एन तो किसके बराबर जेड के बराबर है, ये किसके इक्वल होगा आपका जेड के, जेड के इक्वल होगा, और फिर जो है डिवाइड बोथ साइड बाय जेड भी कर दो, तो जेड से करोगे तो जेड बाय जेड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डेल्टा जेड बाय जेड और ए की एन जेड होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए बाय ए, अगली टर्म को हम छोड़ देंगे आगे वाले जो टर्म उनको एन है साथ में भी यहाँ पे एन, तो 1 7 कैंसिल प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए बाय ए। तो मैक्सिमम पॉसिबल तो क्या माइनस वाले को छोड़ देंगे, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकता है, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू एन इंटू डेल्टा ए बाय ए। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, एरर के बारे में। अब थोड़ा सा जो देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का क्या है उसके, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, गिव एग्जांपल्स। द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर्स ऑफ डिजिट्स यूज टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी विद प्रेसिजन, एक्यूरेसी के साथ, प्रेसिजन के साथ जो बताएं उसको आप क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। रूल क्या है इसके, देखिए ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं सारी सिग्निफिकेंट होगी, अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 सारी नॉन जीरो हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, यहाँ पे 5 होंगी। ये भी डेसिमल है बेसिक चाह, लेकिन सारी नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, 5 होंगी। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल जीरोज ओकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आ जाए, जैसे नॉन जीरो डिजिट इनके बीच में जीरो है तो सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल होगा तो भी सारी काउंट होंगी अंदर वाली, 1 2 3 4 5 5 हो जाएंगी इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड में क्या देखें, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, राइट वाली सिग्निफिकेंट होगी और लेफ्ट, जैसे ये आपका डेसिमल है, डेसिमल के राइट जो नॉन जीरो डिजिट क्या 7, इसके राइट वाली सारी तो काउंट होंगी और लेफ्ट में जीरो जो वो काउंट नहीं होंगी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी, 3 होंगी ओनली। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर रिटर्न विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, किसी नंबर में डेसिमल लगा के और उस नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो सारी सिग्निफिकेंट होंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 है इसके अंदर, लेकिन इसकी अगर बात करें इसे 4 है, क्योंकि यहाँ नॉन जीरो डिजिट से पहले क्या जीरो को काउंट नहीं करेंगे तो कितनी होंगी, 4 होंगी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखिए, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, जैसे क्या है 7 0 8 0, इसके अंदर क्या होंगे आपकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे। फिर ऑल जीरो टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इफ दे कम फ्रॉम ए मेजरमेंट, अब इसी के अंदर जैसे क्या है 2 0 2 0, अगर ये मीटर ना लगाते ना तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होते 3, अब यहाँ मीटर लगा दिया यूनिट लगा दी साथ में, अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे इसके, 4 हो जाएंगे। एक एग्जांपल देखिए, इसमें छोटे से में सारे पता चल जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3 हैं, यहाँ भी 3 हैं, यहाँ भी 3 हैं, यहाँ भी 3 हैं और यहाँ भी 3 है, ये काउंट नहीं होगी क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में 0 है, यहाँ 4 हो जाएंगे,
नॉन जीरो डिजिट के और डेसिमल वाले पॉइंट की राइट साइड वाली तो काउंट होंगी, लेफ्ट वाली काउंट नहीं होंगी, इसमें फोर हो जाएंगी। इसमें क्योंकि डेसिमल लगा रखा है इसलिए फोर हो जाएंगी, क्योंकि डेसिमल लगा रखा है इसलिए कितने हो जाएंगी, फोर हो जाएंगी।